अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, क्या है वजह, जानिए इस छोटे से वीडियो में। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद ही मायावती के इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है। आपको बता दें कि मायावती ने मंगलवार की देर रात अपने ट्वीट पर लिखा कि विदित है कि BSP एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी व मैं खुद ही अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए पीढ़ी को भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि साथ साथ उन्होंने लिखा है कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिवर्तन आने तक उन्हें उनके इस पद से मुक्त किया जाता है, उनके जिम्मेदारियों से जो है हटाया जा रहा है तथा इनकी ये जिम्मेदारियां फिर उनके पिता आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाएंगे। आपको बता दें कि आकाश आनंद पिछले कुछ दिनों में एक विवादित बयान के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे और तमाम अन्य पार्टियों के नेता जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशाना साध रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि मायावती का ये फैसला कहीं न कहीं दबाव के कारण लिया गया है, ये तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का दावा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।